धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बलपूर्वक भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने शुरू किया। एक फकीर था, वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी, वह पीतल को सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ, ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन, हो ना हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर वापस आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर ने डरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भिजवा दिया। वह रोज शाम को उसके पास एक सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं, लेकिन फकीर का एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूँ? जरूर, फकीर ने कहा। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।